पिछले हफ्ते आप हमारे साथ चले थे जिंक माइंस के सफर पर, और उसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको इस खान से निकले हुनरबाजों के खजाने से रूबरू करवाएंगे, जिनके हाथों में हुनर की ताकत देने का काम कर रहा है SCMS। स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर यूथ को ट्रेन करता है ताकि वो माइनिंग एंड अलाइड एरियाज में नौकरी प्राप्त कर सकें। ट्रेनिंग अनेक प्रकार की होती है, लेकिन एक नया प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो कि एक इंडस्ट्री लेड हाई टेक्नोलॉजी इनेबल प्रोजेक्ट कहलाता है, जिसमें कि नई तरह की मशीनें जो आती हैं, उन नई तरह की मशीनों को हम लोग जो है उस पर ट्रेन करते हैं, ताकि जो भी लड़के हमारे तैयार हो रहे हैं वो ग्लोबल प्रोडक्टिविटी लेवल देकर अपना प्रोडक्शन कर सकें। पिछले 4 साल में हम लोग लगभग 117,000 लोगों को ट्रेन और सर्टिफाई कर चुके हैं। युवाओं को हुनरमंद बनाने की NSTC और SCMS की इस कोशिश में साथ आए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और IIST यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और इनके एकजुट प्रयास से न जाने कितने ही युवा आज अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, जिनमें से एक है दरीबा राजस्थान के रहने वाले सागर मोची। मेरे दादाजी भी इसी माइन में ब्लास्टर की पोस्ट पे एम्प्लॉयड थे। वो मुझे अक्सर ये चीज़ें बताया करते थे कि हम ऐसे ज़मीन के अंदर जाते हैं, किस तरह से काम होता है। बचपन से ही सुनता आया हूँ माइनिंग के बारे में, तो एक माइंड में एक सेट हो गया था कि जॉब करना है तो माइनिंग का ही करना है। सागर ने तो माइंस में काम करने का माइंड बना लिया था, और इसलिए इन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया और कुछ समय तक स्मेल्टर की जॉब भी की, पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि चाहत तो माइंस के अंदर जाकर काम करने की थी, और कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। एक दिन मैं ऐसे पेपर पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें एड देखा माइनिंग का, ISD द्वारा ट्रेनिंग का। उसमें लिखा हुआ था कि ये ट्रेनिंग जंबो ड्रिल ऑपरेटर प्लस मेंटेनेंस दोनों के लिए। फॉर्म भरा और सेलेक्ट हो गया। जंबो ड्रिल ऑपरेटर का काम इस बड़ी सी ड्रिल की मदद से माइंस में होल्स करने के लिए होता है, ताकि इनमें बारूद भरकर ब्लास्ट किया जा सके। घर में छोटी सी ड्रिलिंग मशीन से आपने अपनी दीवारों में ड्रिल करके कील जरूर फिट की होगी, लेकिन इस बड़े से जंबो ड्रिल को ऑपरेट करना कोई आसान काम नहीं है। तभी तो पूरे 2 साल की रिग्रेस ट्रेनिंग कराई जाती है, और वो भी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के साथ। ट्रेनिंग के दौरान हम लोग सिम्युलेटर पे उनको ट्रेन करते हैं, जब वो सिम्युलेटर पे सीखने लगते हैं उसके बाद वी टेक देम टू द एक्चुअल इक्विपमेंट, जहाँ पे किसी ट्रेनर के साथ सुपरवाइजर के साथ वो काम करना शुरू करते हैं। ग्रेजुअली लाइव फेस पे माइनिंग फेस पे वो पूरी तरह से ट्रेनिंग कर पाते हैं, और ताकि अपने आप की प्रोफिशिएंसी को वो बढ़ा सके। हमने इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या किया है कि ग्लोबल बेंचमार्क से अपनी ट्रेनिंग को कंपेयर किया है, यानी कि अगर बच्चे को 200 घंटे जंबो मशीन पे ट्रेनिंग मिलनी है, तो हिंदुस्तान जिंक और हमारे ट्रेनर्स ये इंश्योर करते हैं कि बिफोर बच्चा अपना फाइनल असेसमेंट दे, उसको 200 घंटे इसके ऊपर मिल रहे हैं। क्लासरूम में थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ सागर को सिमुलेटर और सिमलॉक के जरिए माइंस में काम करने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिला, और तभी तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में ऑन जॉब ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आज असेसमेंट के दिन इन्हें जरा भी डर नहीं लग रहा। हमने भी सागर के सीखे हुनर को करीब से देखा। देखिए क्या परफेक्शन से चल रहे हैं इनके हाथ। यही तो है फ्रूटफुल ट्रेनिंग का कमाल, जिसे आप भी कर सकते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे बच्चे लेते हैं राजस्थान पूरे स्टेट से, जिन बच्चों का थोड़ा लो इनकम बैकग्राउंड से होते हैं। हम चाहते हैं कि उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, तो इसलिए हमने जो पिछला लास्ट एग्जामिनेशन किया था एंट्रेंस एग्जाम, तो हमारे पास 100 सीटें थी, जहाँ पर लगभग 7,500 बच्चों ने अप्लाई किया, और उसके बाद हमने 120 बच्चा सेलेक्ट किया था, और उनका प्रशिक्षण पूरे 1 साल से चल रहा है। क्योंकि जो हमारा लास्ट बैच निकला था 102 बच्चों का, 1 साल के बाद आज भी 101 बच्चे नौकरी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हुई यहाँ पे, स्किल डेवलपमेंट से लेके इंग्लिश स्पीकिंग और ड्राइविंग
टेक्निकल नॉलेज भी था, मेंटेनेंस का तक भी था और माइनिंग का नॉलेज. फिर उसके बाद में क्वालिफाई होने के बाद में जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया और उसमें 4-5 कंपनियों ने मुझे सेलेक्ट किया. फिलहाल हम SMS में कर रहा हूँ. मैंने SMS में जब से ज्वाइन किया, मेरा सैलरी स्टार्टिंग सैलरी था 17,240 और 1 से 1.5 साल हो चुका है मुझे जॉब करते हुए और मेरा अभी का जो सैलरी है 32,000. मैं अभी जम्बो ऑपरेटर के पद पर काम करता हूँ और अभी 1 साल के अंदर मेरा पेमेंट इंक्रीज हो गया 32,000 हो गया. जम्बो ड्रिल ऑपरेटर के साथ साथ अब मेंटेनेंस के एरिया में भी कुछ नए कोर्सेज लाने का प्लान है ताकि देश का युवा भी तैयार हो सके सफलता से काम करने के लिए, सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि बाहर भी. इस प्रोग्राम से सबसे ज्यादा फायदा जो निकल रहा है वो इंडस्ट्री को भी मिल रहा है, बच्चों को भी मिल रहा है, सोसाइटी को भी मिल रहा है और एक हम एक ऐसा सशक्त युवा वर्ग तैयार कर रहे हैं हिंदुस्तान में, जो कि न ही हिंदुस्तान में बल्कि बाहर जाके भी, विदेशों में भी जहाँ पे काफ़ी रिक्वायरमेंट है वहाँ भी जाके इस काम को कर सकते हैं. जबकि वो ग्लोबल प्रोडक्टिविटी लेवल के हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो बाहर भी नौकरियाँ उनको मिल सकती हैं. आजा चले आज उस राह पर. माइंस के अंधेरों में काम करने वाले सागर का भविष्य उजालों से भरा हुआ है जो इन्हें अपने इरादों को मजबूत करने और अपने सपनों को पूरा करने की एक नई ताकत से भर देता है. जिंदगी चलने लगे हर रुकी जिंदगी दुनिया से ताल मिलाने का. सपने तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मेरी फैमिली कंडीशन इतनी गुड नहीं है, कुछ अच्छा सा उनके लिए भी कर सकूं और मेरे छोटे ब्रदर्स हैं उनको बढ़िया एजुकेशन दे सकूं और ये जॉब लग जाएगी तो उसके बाद तो फिर लाइफ ही सेट है.